सब सच वीरे जो जो तू कीतियां तू तां बस कीतियां ने मेरे नाल बीतियां जिहदे नाल पैंदे साले ओनू डंग मारदे आ पुकलां। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप अपनी फैमिली सब ठीक होगी, ठीक है ना। आज आप लोग सब परेशान होंगे कि ये चेहरा कितने टाइम के बाद हमें देखने को मिला, ठीक है। क्यों ये चेहरा आपको इतने टाइम के बाद क्यों मिला देखने को, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। कहीं लोगों ने मुझे मैसेज किया कि रईस भाई आप व्लॉगिंग क्विट तो नहीं कर रहे हो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यूट्यूब को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब इंस्टाग्राम यहाँ पर मैं हमेशा रहूँगा और आपके सामने रहूँगा। बस अभी वजह यहाँ पे ये रही कि जो मेरा कंटेंट है वो कंटेंट मुझे यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैंने व्लॉग इसलिए शूट किया, मैंने बोला क्योंकि आज मुझे 2 से 2.5 महीना हो गया है जब से मैं उमरा करके आया हूँ, मैंने व्लॉग भी नहीं अपलोड किया है। तो गाइज आज मैंने सोचा, मैं सुबह उठा, अभी उठा हूँ, ठीक है ना। मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले, अभी तक मैंने मुँह नहीं धोया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर काम था कल, तो काम भी किया और आज हमने इस जंगल में कैंपिंग भी की। इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे कि हम इधर क्या करने आए क्या नहीं करने आए। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये टेंट लगाए, ठीक है ना। कितना प्यारा सा है, कितना खूबसूरत टेंट है। इसमें जो नींद आती है ना भाई साहब, जब हम पहले कैंपिंग के लिए गए थे ना घर में, जो जिसने वो वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कितना मज़ा आता है। ये चेक करो गाइस, ये देखो, ये एक है, ये दूसरा, ये देखो, ये मेरे साथ बांग्लादेश का भाई है, ठीक है ना। हेलो गाइस, सुबह सुबह हम नींद से उठे, ठीक है ना। अभी तक हमने मुंह नहीं धोया, कुछ नहीं धोया। ये यहाँ पे कुछ बीकीपिंग वगैरह का सामान है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चेक करो यार, पानी किस में हमने रखा है, ठीक है ना। 7500 लीटर है ये, यहाँ पे मैंने कल इसमें लिखा हुआ देखा था, ठीक है ना। अभी अभी ये सूरज चढ़ गया, यहाँ से धूप आ रही है तो अभी नींद नहीं आएगी। अभी यहाँ पर टाइम हो चुका है भाई, टाइम क्या हो गया, ये गाड़ी है हमारे साथ 7:37 है, तो 37। हाँ तो 37 यहाँ पे हो गए हमारे इंडिया में। इस टाइम क्या टाइम होगा हमारे इंडिया में, इस टाइम पे होगा 37, 7, 8, 9, 10। हाँ 10 मिनट के ऊपर 10 होगा, ढाई घंटा आगे, ठीक है ना, ढाई घंटा आगे। तो ये चेक करो गाइज, हमारा नज़ारा चेक करो यार, हम किन जंगलों में रहते हैं और हमारी बीकीपरी कैसी होती है। आज मैं कुछ वो एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्यों हमारी मक्खी जो है मसर से आ गई थी कल, है ना। मरजूम कहाँ से आया था, मसर से आया था, मसर से मरजूम आया था। वो मरजूम हमने उतारा, कैसे क्या होता है मरजूम मुझे तो कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे बीकीपरी में मरजूम का इधर पता चला। मरजूम का काम हम लोगों ने कभी भी इंडिया में नहीं किया है। तो मैं आपको यहाँ पे भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है यहाँ पे, ठीक है ना। ये मत सोचो यार सऊदी अरब में ईजी काम होता है, ये होता है वो होता है, बस ये आप लोग की गलत सोच होती है यार। सऊदी अरब में काम कुछ भी नहीं ना हो, बस आपको अगर मारने वाला एक ही चीज़ है ना यहाँ पे, आपको काम तो कितना भी बंदा करता है, मारने वाला ये है आपको, ठीक है ना। ये सूरज 45-48 डिग्री जाता है भाई साहब, आप खुद बोलो। हमारे कश्मीर में आप लोगों ने कभी 35 से ऊपर देखा है? मैंने 32 से ऊपर अभी तक कश्मीर में नहीं देखा है। तो आप ये चीज़ गैस करो यार, ठीक है ना। ये जो आपको पेड़ सामने दिख रहे हैं, इस पेड़ पे असल में यार, मैं अभी सऊदी की बादशाह पकड़ रहा हूँ, मतलब जो हनी है ना इस वाले इन पेड़ों पर आता है, ठीक है ना। और इसकी ये कीमत जो है ना इस मतलब हनी का, मैं जो फिर से असल निकल गया था भाई साहब, हमारी इंडिया में जो सोना बिकता है ना वैसे आप समझो यहाँ पे हनी बिकता है, ठीक है। सोना तो कुछ भी नहीं है यार, सच बता रहा हूँ, सोना कुछ भी नहीं है। अभी मैं कभी मतलब जो हमारी बॉस का वकाला है ना, वकाला इधर वही कहते हैं ना यार सऊदी में, मतलब दुकान, वहाँ पे जाऊँगा, वो मैं एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है ना। वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा कि मतलब किस में कितनी रेट है, आप फिर खुद ही बताओगे। सामने देखो यार कितनी खूबसूरत रेत है, लेकिन ये खूबसूरत जितनी दिखती है ना भाई साहब, उतना ही इसमें आग है। जब अभी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा ना, हम लोग इसमें पाँव भी नहीं रख पाते, वो फर्स्ट बात। सेकेंड बात, जब हवा आता है ना भाई साहब, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, कि इतना मिट्टी उठते हैं ना, इतना मिट्टी, मैं तो बोलता हूँ अंदर भी मिट्टी चला जाता है हमारे अंदर, ठीक है। हम कितने बंदे यहाँ पे, मैं आपको सब से मिलाऊँगा, हर एक से मिलाऊँगा, कम से कम हम 3 से 4 देश के
बंदे हैं आज यहाँ पे, तो है तो बहुत देशों के वहाँ पे जहाँ पे हमारा रूम है, लेकिन जितने देशों के बंदे हम यहाँ पे हैं हम वो आपको दिखाएंगे। सो चलो इन्जॉय करते जाओ, ठीक है ना। हमारे व्लॉग देखो भाई, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि आपके भाई ने बहुत दिन के बाद एक व्लॉग शूट किया, ठीक है। इस व्लॉग पे बहुत सारा प्यार बरसाओ, ठीक है। अब ये काम करते गाइज, अब भी मैं आपको सबसे मिलाता हूँ। सो देखो गाइज, मैंने आपको बोला था हम कितने देशों के बंदे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज हमने जो यहाँ पे कैंपिंग निकाली है, ये चेक करो यहाँ पे, मतलब सबसे पहले वो भाईजान आशा भाई नेपाल के है ना, वो दोनों नेपाली बैठे, नेपाली हाँ भाई, भाई को तो चाचा को तो आप जानते हो, चाचा किधर, पाकिस्तान, चाचा किधर, फिर से एक बार पाकिस्तान, चाचा को तो आप जानते हो यार, टीम में चाचा, हाँ चाचा, चाचा भी एक टीम है पाकिस्तान में, जानते हो, ये देखो ये टीम का बड़ा है चाचा, वह बिल्कुल ये हेड है हमारा चाचा, ठीक है ना, पाकिस्तान का, ये भी नेपाली भाई है, नेपाली भाई और पाकिस्तान। ये देखो अभी हमारा सुबह का नाश्ता आ चुका है, मतलब अभी हमने खाना स्टार्ट किया, ये नाश्ते में क्या क्या लाए है, सो चलो खाते हैं नाश्ता और चलते हैं यहाँ से काम पे। सो गाइज, हम नाश्ता करके आ गए, ठीक है ना, अभी हम यहाँ पे आ गए। ये देखो ये हम लोगों ने ये मतलब टेंट वगैरह लगाए, ये यहाँ पे मक्खी है, ये मच्छर से आई हुई है, ठीक है ना। अभी हम इसी में थोड़ा काम करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं इसको कहाँ पहुँचाएँगे, क्या करेंगे क्या नहीं। वो सामने से देखो बंदे लगे काम में, पाकिस्तानी चाचा, ये चेक करो गाइज। सो चलो करते हैं काम और उसके बाद फिर मिलते हैं गाइज। अभी हमने काम कर दिया है, ठीक है ना। अभी जो आप इसके ऊपर देख रहे थे ना, ये खेसा वगैरह, मतलब इसको यहाँ पे डबल डोर कहते हैं, जब मतलब बाहर से मक्खी आती है ना उसमें आती है, जो आपको सामने दिख रहा है। इसके मैं थोड़ा आपको पास में दिखाता हूँ, क्योंकि एक बी कीपर को, हमारे इंडिया के बी कीपर को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी को नॉलेज है तो मुझे कॉमेंट में करना भाई। ये देखो इसमें जो मक्खी फेक आती है, ठीक है ना, मच्छर से आती है, फिर क्या होता है वो एरोप्लेन में मक्खी आती है, फिर वहाँ से गाड़ी में आती है। ये देखो उसके बाद ये डबल डोर वगैरह लगाना पड़ता है, अंदर जो है वो डालना पड़ता है। हमारे यहाँ बुराज कहते हैं यार, मैं इंडिया में घूम लिया, फ्रेम में आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद वो मतलब करना पड़ता है, फिर शाम को डालेंगे, सुबह सेट करेंगे, या दिन को ही आएगा, दिन को डालेंगे, सेट करेंगे। ये चेक करो, अभी हमने ये इसमें मक्खी जो है डाल ली है। ये देखो गाइस, ऐसी मक्खी, मतलब ये काम मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैं भी एक बी कीपर हूँ। सो चलो अभी करते हैं काम, यहाँ से चलते। सो गाइज, फाइनली काम हो गया हमारा, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्या बताऊँ यार, यहाँ पे बताने के लिए बहुत कुछ है, बट बताने के लिए है बहुत कुछ, लेकिन वो चीज़ें मैं जो है ना आराम आराम से आपसे शेयर करूँगा, ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे टेम्परेचर इतना है ना, आज दो बार मैंने धोया है, दो बार गीला लगाया है, सूख चुका है, ठीक है। 46 है अभी, 46 है ना भाई, अभी 46 है जनाब वहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हम जा रहे हैं, मैं और मेरे सब भाई हैं, मैंने पहले भी दिखाया था, अभी भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चेक करो गाइस, 46 है वहाँ पे, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, हाँ 46। ये भाई है हमारे साथ, ठीक है ना। ये यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा चेक करो, ये ज़्यादा गर्म होता है यार, ये जो रेत वगैरह है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। सो चलो करते हैं काम, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, मतलब खाना लेने, खाने नहीं, तो इंशाल्लाह खाएंगे फिर इधर ही पे, और देखते हैं आगे कुछ दिखा पाए आपको तो ठीक, नहीं दिखा पाए इंशाल्लाह देखते हैं। और कोशिश आगे यही रहेगी कि अपनी व्लॉगिंग जो है क्विट नहीं हो रही है भाई, ठीक है, व्लॉगिंग लगातार रहेगी, बस मेरा कॉन्टेंट नहीं है यहाँ पर, आपको सब पता है। तो इंशाल्लाह मैं मोटो व्लॉगिंग, मेरा पूरा वही है, मैं मुझे पता अभी मोटो व्लॉगिंग में क्या क्या करना क्या नहीं। ये लाइफ स्टाइल यार हमसे बहुत मुश्किल होता है, तो लेकिन अब हम यूट्यूब को भी देखते हैं ना आगे, अपनी फैमिली को भी देखते हैं, तो इसलिए हमें ये सब बनाना पड़ता है, वरना ये मेरे कॉन्टेंट नहीं है भाई। बाइक को तो आपको पता ही है, जब मैं बाइक पर कहीं भी जाता हूँ तो हर एक चीज़ खुद ही आ जाता है बोलने के लिए। सो चलो आगे देखते हैं क्या होता है क्या। गाइस फाइनली हम खाना लेके आ गए, ठीक है ना। ये देखो सऊदी अरब का खाना, ये अभी हम आ चुके, देखो कितने बंदे हम खा रहे हैं ये खाना। सो चलो अभी खाना वाना खा लेंगे, फिर करते हैं व्लॉग को एंड और देख लिया जाए आपने हमारा काम वगैरह। सो गाइज, फाइनली खाना वाना हो गया है, ठीक है ना। तो आज हमने सोचा कैंपिंग तो यहाँ पे हमारी हो गई है, ठीक है, क्यों ना आज यहीं पे हम सो जाए। सो फाइनली आप चेक करो, ये चेक करो, हमने
कैंपिंग वाला टेंट सिंगल कहाँ पे लगाया है, यहाँ इसमें आप दो भी सो सकते हो, तीन भी सो सकते हो, ठीक है ना। गाड़ी चेक करो गाइज, एक दो गाड़ी, ठीक है ना, दो तीन उस साइड है। सो आप ये चेक करो कि हमने लगाया कहाँ पे है, ये चेक करो अंदर से, और आगे का नज़ारा चेक करो गाइज कितना ऊंचा है। ये देखो मैं पीछे जा रहा हूँ, ये देखो कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे बहुत ही सही नींद आएगी। सो चलो करते काम, करते इस प्यारे से व्लॉग को एंड। और जो भी मेरे चैनल पे नया हो ना भाई, बोल ही देता हूँ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल के व्लॉग में।